श्रीमान संजीव भारद्वाज जी, आइए बात करते हैं। नमस्कार भारद्वाज जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। नमस्कार भारद्वाज जी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज ही आपकी पार्टी ने 20 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है। किन इरादों के साथ और किन संकल्पों के साथ आप निकाय चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताऊं कि आज हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी जागरूक है, उनको किसी भी नगर के किसी भी जिले के कोई भी चीज़ें बताने का, कोई उनको चीज़ों को दोहराने का कोई एक तरह से मतलब नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी हमारे जो पंचकुला के नगर निगम से जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है, जैसे सेक्टर 21 के अंदर सेक्टर के बीचों बीच इन्होंने डस्ट का डंपिंग ग्राउंड बहुत सालों से बनाया हुआ है। आप देखें सारे सेक्टर में उसकी इतनी बदबू जाती है कि शाम को खाना मुश्किल हो जाता है। और जो ये नगर है पंचकुला, ये एक दिन इस तरह से हमारे स्वर्गीय आदरणीय चौधरी भजन लाल जी ने बनाया था कि उनका सपना था कि चंडीगढ़ से भी खूबसूरत मैं इस नगर को बसाऊं। लेकिन जैसे ही ये सत्तारूढ़ पावर में आया, सत्ता में आया, इन्होंने सारी चीज़ों को मेंटेन करना तो दूर की बात है, इसकी प्लानिंग के मुताबिक कोई भी चीज़ उस तरह से नहीं ये कर रहे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ये हालत होगी कि गांव खलियान की तरह, जैसे पशु घूमते हैं, पशु घूम रहे हैं, कूड़ा करकट जगह जगह पड़ा है, कोई आगे की प्लानिंग नहीं है। जितनी मार्केट है, जो इनको पैसा तो ये यहाँ से अर्जित करते हैं, यहाँ के प्लॉट, जैसे आप हुड्डा के प्लॉट्स देखें, शोरूम देखें, बेच कर दूसरी जगह ये पैसा लगाते हैं। नगर के अंदर पानी की व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है, पानी जगह जगह पाइपें टूटी हुई हैं। इस तरह की हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त दानव की तरह मुंह फाड़ के खड़ी हैं। तो वो सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आज बहुत ज़रूरी है कि 36 की 36 बरादरी पंचकुला में कांग्रेस को, जो पहली बार सिंबल पे लड़ रही है, इन लोगों का मुकाबला करने के लिए, झूठे भरम फैलाने वाली पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस मैदान में है। लोग कांग्रेस की वोट दे कर मदद करें और कांग्रेस हमेशा की तरह इनके दुख दर्द में हमेशा खड़ी रहेगी और अपने नगर की व्यवस्थाओं को ठीक करेगी। संजीव जी, आपकी पार्टी की जो मेयर की प्रत्याशी है उम्मीदवार उपेंद्र अहलुवालिया, ये पहली भी मेयर रह चुकी हैं, तो क्या लगता है आपको जो पिछला जो इनका कार्यकाल रहा, जिसमें जो आपने इतने सारे कार्य गिनवाए हैं, वो कार्य क्यों नहीं पूरे हो पाए, जबकि जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, वो पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी, इस बार भी भाजपा की सरकार है, उससे आपको फायदा होगा नुकसान होगा? देखिए, जहां तक उपेंद्र कौर अहलुवालिया जी का सवाल है, ये सामाजिक सेवाओं में, या यूं कहिए कि ये चुनाव की प्रक्रिया में 1995 से जुड़ी हुई हैं। आज लगभग इनको 25 साल हो गए हैं। पहले ये सरपंच थी, फिर उसके बाद ये जिला परिषद की मेंबर रही, उसके बाद ये नगर परिषद की, नगर पालिका की मेंबर रही, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके पिछले 2013 से लेकर 2018 तक ये मेयर रही। ये इन सारी समस्याओं से भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन इससे पहले जब ये मेयर थी, उस वक्त तीन किन्हीं कारणों से जिन मुद्दों को, जो मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं या दानव रूप में खड़े हैं, उनको इन्होंने उठाने की कोशिश की। पर उस वक्त एक तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, कोई नगर परिषद की ऐसी शेप नहीं थी कि सारी चीज़ उनसे अलग हों। फिर सेकेंडली आप देखें कि अब अवेयरनेस, या अब यूं कहें डायरेक्ट जब लोग, आम जनमानस इनकी वोट देगा, लोगों की जो भावनाएं हैं उनको देखते हुए, ये सबसे मौजूदा स्थिति में सबसे एक्सपीरियंस्ड, समझदार, ईमानदार और प्रतिभाशाली महिला हैं। मैं समझता हूं इनको अगर हमारे नगर के लोग वोट देंगे तो ये उनकी आशाओं और इच्छाओं पे पूरा उतरेंगी। किसान का आंदोलन चल रहा है पूरे प्रदेश और साथ लगते दिल्ली और पंजाब की निगाहें भी
इस चुनाव पर टिक चुकी है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मैदान में हैं, किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ेगा पंचकुला निकाय चुनाव पर? आप जहाँ तक संजय जी बात किसान आंदोलन की कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताऊं कि वर्ल्ड के अंदर ये सबसे बड़ा एक आंदोलन इंडिया में या वर्ल्ड में संगठित आंदोलन हुआ है कि एक गरीब खेत के अंदर काम करने वाला मजदूर जो सड़कों पे लगभग एक महीना होने को है, बड़े शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को रख रहा है। वो बार बार चिल्ला के इस बात को किसान कह रहा है कि मुझे ये आपके जो आप ये कहते हैं कि हमने इनके अंदर एक चेंज करी है या इन चीज़ों को ठीक किया है किसान कानून के अंदर, मुझे नहीं चाहिए। देखो, विडंबना ये है कि ये सरकार जबरदस्ती जिनकी वोट ली उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, वो थोप रही है। तकरीबन लगभग 40 किसान अपनी जान दे चुके। मैं तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि इन्होंने किसानों की हत्या की है। ठंड में इतने लोग बेचारे बुजुर्ग लोग ठंड में मर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये अकेला जो ये कानून पास करे हैं, जिस तरह से हमारे देश का अन्नदाता 52% कृषि पर निर्धारित हमारी अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से हमारा अन्नदाता सड़कों पे है, अकेले उनको ये प्रभाव ये कानून नहीं डाल रहे। आड़ती देखें, लाखों परिवार उनसे जुड़े हुए हैं, उनका धंधा आहिस्ता आहिस्ता चौपट हो जाएगा, कोई मंडी में जाएगा ही नहीं। फिर उसके बाद जो स्टोरेज की इन्होंने स्टोरेज की फुल फैसिलिटी दे दी कि भाई स्टोरेज कोई कितना भी स्टोरेज करे, उससे क्या होगा, गिने चुने देश के घराने इस पे काबिज हो जाएंगे, फसलों पे काबिज हो जाएंगे। आम जनता को सूंघने के लिए जैसे आज कोई फल फ्रूट नहीं मिलता, उनकी पहुंच से बाहर होगी, उनकी डेली रूटीन की चीज़ें भी, अन्न है, दालें हैं, गेहूं है, ये सब एक साल बाद आम आदमी को मिलेंगी नहीं। लगभग 125 करोड़ जनता जो आज रेट हैं उससे कई गुना रेट में उनको वो चीज़ें उपलब्ध होंगी और भूखमरी इतनी फैलेगी जिस ये जो सरकार सत्तारूढ़, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो प्रदेश की सरकारें हैं, अपने अहंकार के वशीभूत होकर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इन चीज़ों को इसी स्टेज पर सत्तारूढ़ सरकार को खत्म करना चाहिए और किसानों का मान सम्मान अन्नदाता का करते हुए इन चीज़ों को खत्म करना चाहिए। भरता जी, लेकिन सरकार के अपने दावे हैं। सरकार कह रही है कि विपक्षी पार्टियां अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन की तलाश में किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति कर रही है, जबकि सरकार किसानों की मांगे मानने को तैयार है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें, जब भी सत्तारूढ़ दल ने, केंद्र में जो सत्तारूढ़ दल है चाहे वो प्रदेश में है, जब भी ये कोई कानून बनाते हैं या कोई किसी कानून को चेंज करते हैं, ये उनसे जो लोग प्रभावित हैं उस कानून से, उनकी कभी सलाह ये लोग नहीं लेते। जहाँ तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है, उनका उत्तरदायित्व, उनका दायित्व बनता है जब कोई समाज का कोई वर्ग किसी कानून से दुखी है, किसी ऐसे व्यवहार से, सत्तारूढ़ के दल के व्यवहार से दुखी है, तो उनको उनका साथ देना चाहिए, वो अनिवार्य है। और साथ जैसे विपक्षी दल दे रहे हैं, ये उनका उत्तरदायित्व दायित्व बनता है। और जहां तक आज सत्तारूढ़ दल कहता है कि किसानों की आय हम 2022 में दुगनी कर देंगे, दुगनी कर देंगे, आपके माध्यम से मैं आम जनता को चेताना चाहता हूं, आप देखें कि डीजल की रेट सस्ता लेके महंगा बेच रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार में महंगा लेके सब्सिडी देके, चाहे वो घर में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर हो, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, कांग्रेस की पॉलिसी थी आम जनता को हमेशा जरूरत की चीजें सस्ते में मुहैया करवाई जाएं। लेकिन आज के दिन
सस्ता लेके महंगा बेच रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में महंगा लेके सस्ता बेच रहे थे। फिर भी ये लोग उन दिनों को याद नहीं करते जब ये नंगे हो के सड़कों पे, आप अपने गूगल के अंदर जाके देखें, इनकी सारी पिक्चर्स उनके अंदर हैं, नंगे हो के घूम रहे थे। आज ये बोलते नहीं, तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए सब लोग सारी बात जानते हैं। सत्तारूढ़ दल अपने घमंड के वशीभूत होकर ये चीजें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। बैठ के किसानों की धैर्यपूर्ण बातें सुने, और जिनके लिए कानून बना रहे हैं यदि वो किसी कानून से खुश नहीं है तो उसको फौरी तौर पर तुरंत प्रभाव से वापस लेके उनके जख्मों पर मरहम लगा के, जो लोग इस मतलब एजिटेशन में, इस आंदोलन में जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं, उनके परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। अब आज आप देखें, मुआवजे की बात ही नहीं कर रहे। अगर कोई किसी भी 50 घराने ऐसे हैं पूरे देश के अंदर जिनका करोड़ों अरबों रुपए लोन माफ कर दिया जाता है, कर्ज माफ कर दिया जाता है, 10-20 करोड़ अगर किसी अन्नदाता के खाते में चला जाए जो मरे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जख्मों पे मरहम लगाने का ये कार्य होगा। मैं हाथ जोड़ के सत्तारूढ़ दल से प्रार्थना करता हूँ, इन बातों पे खास तौर से ध्यान दें और तुरंत प्रभाव से किसानों को बिठा के उनकी मांगों को धैर्यपूर्ण सुन के उनका समाधान करें। पंचकुला निकाय चुनाव में किसानों का मुद्दा कितना हावी रहेगा यह समय तय करेगा। और आज जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता व इस नगर निगम चुनाव के मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज जी ने सरकार से मांग की है, किसान आंदोलन के दौरान जो शहादत को प्राप्त हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, जो अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके लिए आज यहाँ पंचकुला से मुआवजे की मांग भी की गई है। खैर, आज कांग्रेस का संकल्प सूत्र जो पत्र है वो जारी किया गया है, मेरा पंचकुला मेरा अभिमान के तहत जो घोषणाएं की गई हैं कितना असर डाल पाएंगी पंचकुला वासियों पर देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा।